मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको आप ये टेंस का तीसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको इसके पहले वाले टेंसों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप पहले इसके पहले वाले जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है पहले उसको देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, यदि वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आए, तो वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। यदि वाक्य के अंत में अगर ता होगा, ती होगी, ते होंगे आए, तो वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। आइए लिख लेते हैं। यदि वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, आए, तो वाक्य फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का होता है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी सहायक क्रिया होती है विल या सेल। सहायक क्रिया विल या सेल। देखिए अब नए जो नियम निकले हैं उसमें हमेशा विल का भी प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग विल और सेल दोनों को पढ़ेंगे। विल या सेल कवर के फर्स्ट फॉर्म। पहला देखिए सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य आपका सकारात्मक हो, यदि वाक्य आपका सकारात्मक हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस की अनुवाद करने के लिए कैसे होते हैं उसको देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आए, तो वाक्य आपका अफर्मेटिव होगा और उसमें सकारात्मक वाक्य होगा। तो उसमें क्या होगा उसकी अनुवाद करने के नियम होते हैं। पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद विल, फिर सेल और प्लस आपके पास होगा यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। जैसे अगर अनुवाद दे दिया जाए वह उसे भला बुरा कहता होगा भला बुरा कहता होगा, राम अपने पिता का या पिता के आदेश को मानता हो, के आदेश को मानता होगा, पिता के आदेश को मानता होगा, तो यहाँ पर पिता के आदेश को मानता होगा, तो यह दूसरा। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। युवा उसे भला बुरा कहता होगा, इसके भला बुरा कहना क्या होता है, का समबडी ने। देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इसलिए हमने समबडी लगा दिया। अगर यहाँ पर उसे है तो हिम, अगर तुम्हें है तो यू, और अगर उन्हें है तो देव, तो काल समबडी ने, ये हो जाएगा आपके पास। आइए और आदेश मानना ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना। वह उसे भला बुरा कहता होगा, ही काल हिज नेम, ही विल काल हिज नेम, ही विल काल हिज नेम। सहायक क्रिया पहले लगाएंगे फिर काल, हिज नेम। राम अपने पिता के आदेश को मानता होगा, राम विल
ओबे हिज फादर, राम अपने पिता का आज्ञा को मानता होगा। देखिए यहां पर नोट, यहां पर क्या है कि आई और बी के साथ सर, आई और बी के साथ सर और बाकी सभी सहायक, बाकी सभी कर्ता के साथ, अन्य सभी कर्ता के साथ, अन्य सभी कर्ता के साथ आपके पास क्या होगा, या अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपके पास विल लगाएंगे, या अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाएंगे और आई और बी के साथ सर का प्रयोग करेंगे। जब आपका देखिए अपॉर्चुनिटी सेंटेंस वो उसे भला बुरा कहता होगा, ही विल कैलिस ने, राम अपने पिता के आदेश को मानता होगा, राम विल ओबे हिज फादर। देखिए यह हमेशा हम इस स्ट्रक्चर को पालन करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम वाक्य का अनुवाद बनाएंगे। आइए आगे देखते हैं, अफर्मेटिव के बाद अब निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा कि केवल सहायक क्रिया के बाद आपके पास नॉट लग जाएगा, सहायक क्रिया के बाद आप नॉट लगा देंगे और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए इसमें होता क्या है, निगेटिव में यदि वाक्य आपका नकारात्मक होगा तो आपके वाक्य में नहीं शब्द आता है, हिंदी वाक्य में आपके नहीं शब्द आता है और उसका अनुवाद आप नॉट से करते हैं। जैसे फार्मूला में क्या होगा जी, फार्मूला सब्जेक्ट और प्लस विल या सैल और उसके बाद नॉट, बस हो गया, विल या सैल के बाद नॉट लग जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए यहां से वह क्या हम गाना नहीं गाते होंगे, हम गाना नहीं गाते होंगे। दूसरा वे उन्हें नहीं पीटते होंगे, नहीं पीटते होंगे। तो इसमें देखिए करना क्या है कि यही स्ट्रक्चर निगेटिव का सब्जेक्ट विल या सैल उसके बाद नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसी स्ट्रक्चर पर हमें चलना होगा। पहले सब्जेक्ट है तो वी, सब्जेक्ट क्या करेंगे वी, विल या सैल, वी है तो वी के साथ क्या लगाएंगे सैल, वी के साथ सैल और उसके बाद नॉट, वर्ब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गाना गाना तो सिंग और क्या नहीं गाना है सिंग के साथ। वे उन्हें नहीं पीटते थे, वे सब्जेक्ट है दे, फिर दे के साथ लगेगा क्या विल, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद पीटना, बीट मींस पीटना, किसे पीटना है ऑब्जेक्ट हिम, उन्हें नहीं पीटना है। यह था आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि सहायक क्रिया के बाद हमारे पास नॉट लग जाते हैं। उसके बाद अगला आपका आता है कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि आप सहायक क्रिया को वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं, वाक्य में सहायक क्रिया को वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं और क्या से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में क्या से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात विल या सैल से, विल या सैल और प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए अगर इसी प्रकार के टेंस संबंधी आपको वीडियो, अगले वीडियो को आपको हमेशा मतलब प्रतिदिन जो सबसे पहले अगर वीडियो को पाना है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो तो आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, जिससे आप वीडियो से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए आगे देखते हैं क्या, जैसे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा कि क्या से प्रश्न पूछा जाएगा, तो क्या होगा क्या वह, क्या वह
धड़ाधड़ चैनल पलटता होगा। क्या वह धड़ाधड़ चैनल पलटता होगा? क्या हुआ? को तेज बुखार आता होगा? क्या उमा को तेज बुखार आता होगा? तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि इसका अनुवाद, सबसे पहले हम इसी नियम को नहीं भूलेंगे, फॉर्मूले को, विल या शैल, तो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। अब इसमें करना क्या है, विल या शैल, देखिए वह है, यहाँ पर थोड़ा सा नाम बदल लीजिए, क्या हमें, तो होगा क्या कि वह है तो हो जाएगा विल और वह तो ही। देखिए धड़ाधड़ चैनल पलटना, चैनल तो चैनल होगा, धड़ाधड़ पलटना क्या होता है, फ्लिप, फ्लिप थ्रो द चैनल, फ्लिप थ्रो द चैनल, धड़ाधड़ चैनल पलटना। और बुखार आना, देखिए तेज बुखार आना के लिए, बुखार आना होता है तो रन होता है और तेज है तो हाई फीवर, रन और हाई फीवर, तेज बुखार, हाई फीवर, तेज बुखार के लिए, तेज बुखार आना, अरे चैनल पलटने के लिए। देखिए क्या वह धड़ाधड़ चैनल पलटता होगा, विल ही फ्लिक थ्रो द चैनल, विल ही फ्लिक थ्रो द चैनल। क्या हमें तेज बुखार आता होगा, शैल वी, शैल वी तेज बुखार आना, रन और हाई फीवर, रन और हाई फीवर, एच आई जी एच हाई और फीवर, क्या तेज बुखार आता होगा, शैल वी रन और हाई फीवर। इसमें क्या है कि क्या वाक्य के शुरुआत में आते हैं, वह वाक्य हो जाता है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में आपका लास्ट होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, तब तक आप इसको उतार लीजिए और सुनते भी रहिए। देखिए होता क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं और उसका अनुवाद करते समय क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के शुरुआत में लिख दिया जाता है, और क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के शुरुआत में लिखकर शेष नियम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाए जाते हैं। देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आपका वाक्य के शुरुआत में हो जाएगा और बाकी आपके जो है पूरा क्वेश्चन वर्ड या शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपके प्लस आदि। जैसे वह सफेद झूठ क्यों बोलता होगा, वह सफेद झूठ क्यों बोलता होगा, मैं बाजार कैसे जाता हूँ, मैं बाजार कैसे जाता हूँ। तो इसमें देखिए होगा क्या कि वह सफेद झूठ कैसे बोलता होगा, वह सफेद झूठ क्यों बोलता होगा, तो क्यों के लिए क्या होगा, वाई, फिर देखिए विल,
विल, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही, बोलना, बोलना क्या होता है टेल, और सफेद झूठ तो ब्लैक टेल, ब्लैक टेल ला, वह सफेद झूठ क्यों बोलता है, वाई विल ही टेल और ब्लैटेंट लाइ या टेल ब्लैटेंट लाइ, सफेद झूठ, मैं बाजार कैसे जाता हूँ, हाउ सेड आई, क्या होगा, जाता, गो टू मार्केट। यह था आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद देखिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, इसी फार्मूले के ऊपर निर्भर रहना था, इसी फार्मूले के अनुसार हम इसके बाद को कर रहे हैं। देखिए कि कोई भी नियम हो, जो फार्मूला होगा हम उसी फार्मूले के अनुसार ही, आपके जो अनुमान होंगे उसी फार्मूले के अनुसार करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर होती है मीनिंग, हमें सबसे ज्यादा मीनिंग पर ही फोकस करना है और इसके फार्मूलों पर। और देखिए सबसे ज्यादा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।